हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अपूर्वा एंड अगर आप लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वेलकम टू माय चैनल। मैं अब बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी, ऑकल के बारे में। अगर आप लोग इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग मुझे फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक और मैनिफेस्टेशन स्टोरी के बारे में। काफ़ी दिन हो चुके हैं, स्टोरीज नहीं आ रही थी, सो फाइनली आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक मैनिफेस्टेशन स्टोरी के बारे में। साथ में आज हम जिन स्पिरिट की बात करने वाले हैं उनसे रिलेटेड डेली बेसिस पे बहुत सारी मैनिफेस्टेशन स्टोरीज आती रहती हैं। सो ये उनमें से एक मैनिफेस्टेशन स्टोरी मैंने पिक कर ली है एंड ऑब्वियसली एक मेरा भी खुद का छोटा सा एक्सपीरियंस है इन स्पिरिट के साथ में। सो बेसिकली हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं स्पिरिट नितिका के बारे में। मैंने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो किया हुआ है एंड उसके बाद से मुझे इसकी मैनिफेस्टेशन स्टोरीज रुक ही नहीं रही हैं। इवन काफ़ी लोग ऐसे हैं जो नितिका मैजिक बिगिन नाउ वाला स्विचवर्ड जो है सब बना के उसको चैंट कर रहे हैं, उससे भी उनको फिनेंशियल कह सकते हैं प्रॉफिट या फिर फिनेंशियल गेन्स हो रहे हैं। अगर आप मेरी उस वीडियो को चेक करेंगे आपको कॉमेंट्स में बहुत सारी मैनिफेस्टेशन स्टोरीज दिख जाएंगी ऑलरेडी। सो अगर आप उनमें से हैं जो मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि छोटा अमाउंट भी डेली बेसिस पर आपको आता रहे या फिर आपको जो वॉलेट है कभी खाली ना हो, तो उस वे में भी आप इन स्पिरिट की हेल्प ले सकते हैं। बेसिकली उस वीडियो मैंने एक सिजल उनका बताया था कि आप इस सिजल के साथ काम करके मनी को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। एंड मैंने एक और चीज़ बोली थी कि जो सिजल है आप इसे मल्टीपल वेज में भी यूज़ कर सकते हैं, तो इसीलिए आज मैंने ये मैनिफेस्टेशन स्टोरी भी पिक करी है। इसको जिस तरीके से सिजल को यूज़ किया गया बहुत यूनिक तरीका है एंड आई रियली वॉन्ट कि आप लोग भी इसको ट्राई करें। एंड सिजल जो है बेसिकली वो एक पोर्टल की तरह काम करता है स्पिरिट से कनेक्ट करने का। एंड नितिका स्पिरिट इतनी पावरफुल है कि काफ़ी लोगों को विद इन 24 आवर्स में भी रिजल्ट मिले हैं। ठीक है, सो एक और चीज़ बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में नए हैं, बिगनर हैं, ट्रस्ट इशूज़ हैं, बिलीफ इशूज़ हैं, तो आप डेली बेसिस पे दो से तीन मैनिफेस्टेशन स्टोरीज को सुनना समझना स्टार्ट करो। दिस विल रियली हेल्प यू इन योर ओन मैनिफेस्टेशन जर्नी, ऑल्सो आपकी वाइब्रेशंस को इन्हांस करने के लिए भी आपकी हेल्प करेगा। सो चलिए बढ़ते हैं आज की मैनिफेस्टेशन स्टोरी की तरफ। मैं इसको पहले रीड करने वाली हूँ तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो अपूर्वा, दिस साइड अंकिता राणा, आई होप यू आर डूइंग फाइन। Today I want to share my success story with a spirit you shared for money, spirit Nitika. I used her sigil to activate my stuff and since then I am manifesting unlimited money. I used copper as you mentioned in one of your videos. I took copper plate and placed Nitika's sigil and invited her for money attraction by saying, "Thank you Nitika for giving me unlimited money." Now on the sigil I placed my glass of water and drank, and that day only I received 10,000 rupees unexpectedly. Then I placed my pyrite bracelet for 12 hours on the sigil and oh my god, tab se kuch na kuch money attract ho hi raha hai. This is a thank you story, hope you will share it via video. Thanks a lot again Apurva for your work, gratitude. And thank you so much Ankita for sharing your manifestation story and this unique idea. And definitely iske bahut sare multiple versions aap khud se bhi create kar sakte ho. अगर आपको इंट्यूटिवली आता है नितिका के सिजल को डिफरेंट तरीके से यूज़ करने का, तो वो भी कर सकते हो। देर इज़ नो राइट और रॉन्ग वे, जो भी आपको इंट्यूटिवली चैनल होता है फॉलो दैट। ठीक है, ट्रस्ट के साथ करोगे, बिलीफ के साथ करोगे तो ऑब्वियसली वो चीज़ होनी ही होनी है। अब एक चीज़ आप समझें, ये जो सिजल है नितिका स्पिरिट इज़ वेरी गुड फॉर मनी मैनिफेस्टेशन। एंड जैसे कि इन्होंने यहाँ पे थैंक यू स्टोरी शेयर करी है, आप कोई भी ऑफरिंग उनके लिए बोल सकते हैं। जब आपका काम हो जाए या फिर जब आपको लगता है कि आप सेटिस्फाइड हैं अपने रिजल्ट से, तो आप उनको ऑफरिंग भी दें। बेसिकली ऑफरिंग्स आर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जो बॉन्ड है उस स्पिरिट से, उस डीईटी से, वो स्ट्रांग होता है। जब आपका रिलेशनशिप बिल्ड होता है किसी स्पेसिफिक डीईटी से या स्पिरिट से, तो आपके लिए वो और जल्दी काम करते हैं। तो ऑब्वियसली जब भी आप कुछ मैनिफेस्ट करते हो स्पिरिट नितिका के साथ में, हमेशा ऑफरिंग्स का आप प्लीज याद रखें, ध्यान रखें कि आप उन्हें ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञ जरूर दिखाएं। वो आपके लिए एनर्जी शिफ्ट्स कर रहे हैं, आपके लिए चीजें मैनिफेस्ट करके लेकर आए हैं, तो ऑब्वियसली आपका भी फर्ज है उनको एक थैंक यू बोलना, ग्रैटिट्यूड में कुछ करना। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपका जो रिलेशन है वो स्ट्रांग भी बनेगा, साथ में नेक्स्ट टाइम जब भी आप कुछ चीज मांगोगे उनसे वो चीज और जल्दी मैनिफेस्ट होगी, बिलीव मी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेकेंड पॉइंट की। कॉपर के साथ यहाँ पे इन्होंने अपना पानी एक्टिवेट किया है। कॉपर पहले रखा, कॉपर प्लेट उस पर रखी, ठीक है, उसके ऊपर नितिका का सिजिल इन्होंने यहाँ पे रखा है,
उसके ऊपर अपना पानी का ग्लास लेके एंड उसके बाद उसको पीना। वाटर मैनिफेस्टेशन बहुत ही पावरफुल है। आप इस तरीके से सिजल के साथ भी आप ऐसे भी पानी पी सकते हैं, ये भी आपको मनी मैनिफेस्ट करने में हेल्प करेगा। मैं फिर भी आपको रेकमेंड करती हूँ, अगर आपके बहुत सारे मनी ब्लॉकेजेस हैं, इवन टू रिमूव द मनी ब्लॉकेजेस, आप कम से कम इस प्रोसेस को या फिर से एज अ थेरेपी आप लें एंड डेली बेसिस पे आप इसे कर सकते हैं अप टू 21 डेज। तो जो भी आपके मनी के ब्लॉकेजेस हैं वो भी क्लियर आउट होंगे, आपका रूट चक्रा क्लियर होगा इनफैक्ट इस चीज़ से, बिकॉज रूट चक्रा बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे फिनेंसिस से। इफ़ योर रूट चक्रा इज ब्लॉक्ड, ऑब्वियसली आपकी लाइफ में फिनेंसिस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है? तो आप प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें, ठीक। सेकेंड चीज़ ये कि इन्होंने यहाँ पे ब्रेसलेट अपना पायराइट अगर बात करें, क्रिस्टल्स की अगर हम बात करते हैं, क्रिस्टल की खुद की एक स्पिरिट होती है, ठीक है? काफ़ी लोग इसको मानते हैं, काफ़ी लोग इसको नहीं मानते हैं। इवन हर एक ट्रीज, क्रिस्टल, इन सब की स्पिरिट होती है। तो पायराइट जो है वो स्पेसिफिकली मनी अट्रैक्शन के लिए बहुत ही पावरफुल क्रिस्टल है। इन्होंने इस कॉपर प्लेट को रखा, सिजल रखा, उसके बाद उन्होंने 12 घंटे के लिए इस पायराइट ब्रेसलेट को रख दिया। पायराइट क्रिस्टल की पावर्स एक्टिवेट हो गई इस सिजल के साथ में। तो जब पायराइट ऑलरेडी खुद मनी अट्रैक्शन वाला क्रिस्टल है एंड इथिकल स्पिरिट जो है ऑब्वियसली वो मनी अट्रैक्ट करने के लिए है, तो ये बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है टू मैनिफेस्ट मनी। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको एकदम से बड़ा अमाउंट आएगा, छोटे छोटे वे में अनएक्सपेक्टेड अमाउंट भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। सपोज आप बिजनेस में आपकी सेल इंक्रीज हो जाए उस तरीके से, ऐसे भी ये काम कर सकता है। सो देयर कैन बी मल्टीपल पॉसिबिलिटी, ठीक है? तो बी ओपन, बी रिसेप्टिव एंड डोंट थिंक टू मच कि पैसा कैसे आएगा, किस तरीके से आएगा। जस्ट अपनी एनर्जीज को ओपन रखो एंड यू विल सी द चेंज इन योर लाइफ, स्पेशली इन योर फिनेंसिस। तो आप इस तरीके से भी काम कर सकते हो। अगर आप चाहो तो आप इस तरीके से अपने मनी ब्रेसलेट्स आप पहनते हो, मनी क्रिस्टल्स आप पहनते हो, वियर करते हो, तो आप वो भी मतलब इस तरीके से एक्टिवेट कर सकते हो इथिकल स्पिरिट के सिजल के साथ में। तो आप इस तरीके से भी यहाँ पे काम कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ अपने रिसेंट एक्सपीरियंस की विद दिस सिजल, व्हाट आई बेसिकली डिड, मैंने इस सिजल का प्रिंट आउट लिया, ठीक है? उसको मैंने होल्ड किया एंड सिंपली मैंने नितिका स्पिरिट को थैंक यू बोला कि थैंक यू सो मच नितिका स्पिरिट मुझे मनी मैनिफेस्ट करने में हेल्प करने के लिए। 3 बार मैंने ये बोला, ग्रेटिट्यूड दिखाया एंड उसके बाद मैंने इस सिजल को अपने पिलो के नीचे रख दिया। ये मैंने एक रात किया एंड नेक्स्ट सुबह मुझे एक प्रोजेक्ट मिलता है, सेम डे मुझे एडवांस पेमेंट भी मिल गया उस प्रोजेक्ट का, प्रोजेक्ट मिला एंड एडवांस पेमेंट भी। सो इट्स दैट क्विक, ठीक है? तो मैं सिर्फ इतना बोलूँगी कि अपनी एनर्जीज को ओपन रखो, रिसेप्टिव रखो। जितना आप स्ट्रेस कम लोगे, कम स्ट्रेस वाली एनर्जीज में आप रहोगे, उतनी जल्दी चीज़ें आपके लिए और काम करेंगी। सो ये बहुत सिंपल सा रूल है एंड व्हेन यू वर्क विद स्पिरिट ऑलवेज रिमेंबर कि आपको ग्रैटिट्यूड दिखाना है, आपको यू नो ऑफरिंग्स का ध्यान रखना है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। सो आई होप आप भी इसे ट्राई करेंगे एंड अगर आपने मेरी वो पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे एक बार ज़रूर चेकआउट करें, इट विल रियली हेल्प यू एंड स्पेशली वहाँ पर जो बहुत सारे कॉमेंट्स हैं उनसे आप फर्स्ट श्योर मोटिवेट हो जाएंगे। सक्सेस स्टोरीज जो होती हैं पॉजिटिविटी लेके आती हैं, ऑब्वियसली होप भी लेके आती है एंड बिलीव मी आप जितना अपने आप को पॉजिटिव बातों से, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन स्टोरीज से, इन सब चीज़ों से यू नो अपने आप को फिल करके रखेंगे, आपके माइंडसेट पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। इट्स दे समथिंग कॉल्ड मेंटल डाइट। आप जैसी चीज़ों को अपने माइंड में डालोगे, जिस टाइप की बातों को अपने माइंड में डालोगे, वैसी ही चीज़ें आपकी लाइफ में आकर्षित होती चली जाएंगी। तो मेक श्योर आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो उस चीज़ से रिलेटेड आप पॉजिटिव ही सोच रहे हो, ठीक है? अगर आपके माइंड में नेगेटिव बिलीव्स हैं या फिर आपके माइंड में फियर्स हैं, थॉट्स, आप उनको रिलीज करें, ठीक है? रिलीजिंग रिचुअल्स मैंने आपको बताए हुए हैं, आप वो फॉलो कर सकते हैं। बट अगर आप मनी मैनिफेस्ट करना पसंद करते हैं तो आप एक बार ज़रूर स्पिरिट नितिका के साथ काम करके जरूर देखें। सो आई होप आज आपने यहाँ से कुछ नया सीखा होगा एंड प्लीज डू ट्राई दिस वाटर मैनिफेस्टेशन मेथड विद नितिका स्पिरिट सिजल, इट विल रियली हेल्प यू एंड बहुत ही ब्यूटीफुल आइडिया है। तो वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस अंकिता एंड थैंक यू सो मच इसको यहाँ पे शेयर करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, दिस रियली मीन्स अ लॉट टू मी। सो अब आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही, मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करें, मेरे चैनल को ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, आई लव यू एंड बाय। थैंक यू सो मच।